चलिए अब इसी के साथ जम्मू कश्मीर के मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि जहां पर मौसम की बदलाव की बात करें तो अब कड़ाके की ठंड जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ रही है। इसी के साथ जहां पर हायर रीचेस की बात करते हैं तो बर्फबारी जो है वहां पर वो भी देखी गई है और माइनस डिग्री टेम्परेचर जो है वो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब कौन कौन से एरियाज में कितना कितना जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपके एरिया में वेदर जो है वो किस तरह से है और ठंड जो है वो किस तरह से पड़ रही है। तो चलिए जहां पर श्रीनगर की बात करते हैं तो आपको बता दें कि श्रीनगर का मिनिमम टेम्परेचर जो है वो -1.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और इसी के साथ साथ लेह की अगर बात करें तो लेह में -8.6 डिग्री टेम्परेचर जो है वो पहुंच गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कड़ाके की ठंड जो है वो यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जहाँ पर सुबह और रात के वक्त की अगर खासतौर पर बात करें तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर उसमें जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसी के साथ जहाँ श्रीनगर की बात करें, जिस तरह से आपको बताया गया कि 1.2 डिग्री यानी -1.2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और पहलगाम में -4.7 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ गुलमर्ग में भी -1.2 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। इसी के साथ लद्दाख के बीती रात की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर -8.6 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। साथ ही लेह की अगर बात करें तो जो भी वहाँ पर वाटर सोर्सेज हैं उनमें जो है बर्फ़ जो है वो भी अब जमने लगी है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा नीचे जा रहा है कि कड़ाके की ठंड जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसी के साथ जहाँ जम्मू की बात करें तो जम्मू में आपको बता दें कि रात का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से भी नीचे का जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की अगर बात करें तो उसके अनुसार ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में मौसम जो है वो साफ रहेगा, लेकिन उसी के साथ साथ ठंड जो है वो भी बढ़ती जाएगी। साथ ही कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों की अगर बात करें तो जहां पर टेम्परेचर जो है वो शून्य से माइनस तक जो है वो पहुंच चुका है। और इसी के साथ साथ जहां तमाम हम जगहों की बात कर रहे हैं जहां टेम्परेचर की अगर बात करें तो 3 से 4 डिग्री की गिरावट जो है वो भी देखने को मिली है। इसी के साथ जम्मू संभाग की अगर बात करें तो जम्मू संभाग में भी अब रात के वक्त में जो है सर्दी बढ़ने लगी है। और जम्मू में मंगलवार की बात करें तो दिन का टेम्परेचर जो है वो वहाँ पर साफ था, लेकिन टेम्परेचर जो है वो 25.9 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। और रात की बात करें तो 9.7 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। तो यानी कि 10 से नीचे टेम्परेचर जो है वो अब जम्मू के एरियाज में भी देखा जा रहा है। बनिहाल की बात करें तो बनिहाल में मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। बटोत में 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। कटला में 9.7 और भद्रवाह में 1.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ये रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ जहां पर जम्मू की अगर बात करें तो मौसम जो है वो साफ बना हुआ है, लेकिन अभी भी ड्राई कोल्ड जो है वो यहां पर जो है वो दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र की बात करें तो साफ तौर पर ये भी कहा गया है कि 23 से 24 के बीच जो है यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है और कश्मीर के कई इलाकों में यहाँ पर बर्फबारी जो है वो भी हो सकती है। तो यानी कि टेम्परेचर में अब गिरावट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है। और लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो अब विंटर्स में जिस तरह से होता है लोग उस लाइफस्टाइल को भी अपनाना जो है वो शुरू कर रहे हैं। पर्यटकों की अगर बात करें यानी कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन जो है वो जम्मू कश्मीर उनकी रहती है। जिस तरह से यहाँ पर बर्फ़ का लुत्फ लेने के लिए यहाँ पर जो है स्पेशली लोग आते हैं, तो वो टूरिज़्म की अगर बात करते हैं तो वो भी लोग जो है अब यहाँ पर आने लगे हैं। और इस लिहाज से भी वेदर अपडेट देना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि जो भी पर्यटक जो है यहाँ पर आएंगे उन्हें जो है ये पूरी जानकारी रहे कि जम्मू कश्मीर का मौसम जो है वो आने वाले दिनों में किस तरह का रहेगा। साथ ही साथ जिस तरह से आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता रहे हैं कि क्या कुछ टेम्परेचर जो है वो आपके एरियाज में यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ आप ज़रूर कमेंट करके जो है हमें बताते रहें कि आपके एरियाज में किस तरह का वेदर है, क्या बारिश हो रही है या क्या बर्फबारी हो रही है, ताकि जम्मू के लोगों को भी कश्मीर की अपडेट जो है वो मिलती रहे और कश्मीर के जो यहाँ पर रहने वाले जो कश्मीर के लोग हैं उन्हें भी जम्मू की अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो चलिए अभी के इस अपडेट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।